बताइए। हो गया बना पहला वाला। बताओ कोई आया किसी का आंसर? 1 मिनट सर। बनाओ जल्दी। अच्छा मतलब ठीक है सर। आ गया एक्सपर्ट 20 ठीक आ है या गया दोनों। सोडियम का आ गया सोडियम का हाइयर है कितने से? 2.618 × 10²² सोडियम का वैल्यू है। चलो देख लेते हैं। सबका हो गया है? हेलो। बताना है पहला वाला। अरे रिप्लाई करो यार तुम लोग। किसको डाउट है? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बोलो, बताएंगे। या बन गया तो वो भी बताओ। सर बता दीजिए। बता दें। देखो क्वेश्चन में बोला गया विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम ऑफ सोडियम या फिर 100 ग्राम ऑफ आयरन। तो दोनों में हम लोग निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। तो नंबर ऑफ एटम्स सोडियम का देख लेते हैं क्या फॉर्मूला होगा। गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है सोडियम का? बोलो जल्दी। 100 ग्राम 100 ग्राम। मोलर मास सोडियम का कितना होता है? सोडियम का 23। क्या यूनिट क्या लिखोगे? ग्राम। ग्राम ये हो गया 100/23। हम लोग इसको ऐसे में रहने देते हैं, वो कंपेयर कर लेंगे बाद में। तो 100/23 ये सोडियम का नंबर ऑफ एटम्स आ गया। अब नंबर ऑफ एटम्स हमको निकालना है Fe का। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाओ, गिवन मास बाय मोलर मास। इसका भी गिवन मास कितना है? 100 ग्राम 100 ग्राम। मोलर मास 56 आ गया 100/56। तो दोनों का नंबर ऑफ एटम्स आ गया। सोडियम का नंबर ऑफ एटम्स है 100/23 और Fe का नंबर ऑफ एटम्स है 100/56। अब इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है बताओ? ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, 100/23 या 100/56? 100/56 Fe 100/56 ग्रेटर है। अरे कौन सा ग्रेटर वैल्यू है सर? 100/23 100/23। तो 100/23 अगर ग्रेटर है तो नंबर ऑफ एटम्स किसका ज्यादा हो गया? सोडियम का ना। यस सर। तो कितने से ज्यादा होगा?
दोनों को माइनस कर दो। हाँ तो 100 बाय 23 और माइनस 100 बाय 56, तो इसका वैल्यू सॉल्व करके निकालो कितना आ जाएगा। डिफरेंस निकालो वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? हेलो हेलो। यस सर। तो कर लोगे ना, ये बस डिफरेंस निकालना, कैलकुलेशन करना है। यस सर, हो जाएगा। चलो जिसका पहला वाला हो गया वो दूसरा करो। आगे दूसरा वाला क्या? हेलो। सर मॉलिक्यूल चाह गए, थ्री कितना आया मॉलिक्यूल? देखो पॉइंट सिक्स सल्फर ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? S8 के फॉर्म में। तो S8 बताना ये मॉलिक्यूल है या एटम है। S8 के अगर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये मॉलिक्यूल हो गया ना, क्योंकि यस सर। आठ एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसका पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो तो कितना हो जाएगा। सल्फर का मास पता है ना कितना होता है, एक एटम का कितना होता है सल्फर का बताओ। 32 होता है सल्फर का, और 32 × 8 कर टू देंगे फिफ्टी तो सिक्स 256 ये ग्राम हो गया। कि अगर वन मोलर मास अगर पूछा जाए सल्फर का S8 के फॉर्म में अगर रहेगा तो उसका 256 हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। 1/16 है। हाँ तो 16 ग्राम इसका गिवन मास है और मोलर मास है 256 ग्राम। तो ये कितना आ गया, कितना आ गया बताओ, ये कितने टाइम्स में कट जाएगा? सिक्सटीन, 1/16 हो जाएगा ना। यस सर। तो 1/16 क्या आया है, ये नंबर ऑफ मोल्स आया है। हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स जितना आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, एन ए से मल्टीप्लाई। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। किसी को कोई डाउट? देखो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाले गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास 16 ग्राम था, इसका मोलर मास हम लोग कैलकुलेट किए 32 × 8 256 आ गया। तो गिवन मास बाय मोलर मास से इससे नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1/16। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर मिल गया हमको तो उसको एन ए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं आ जाएगा। यस सर। यस सर। चलो अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, अब नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है सल्फर का देखो। तो अगर सल्फर का एक मॉलिक्यूल लिए हैं S8 तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? आठ है ना। अरे आठ एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएगा ना सल्फर का। यस। तो आठ एटम अगर मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है तो मतलब वन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? एट एटम्स हो गए। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो जाएंगे, इनटू क्या कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देना होगा? यूनिटरी मेथड पढ़े हो, बोलो जल्दी जल्दी।
हेलो हेलो सर। किससे मल्टीप्लाई करना होगा बताओ, नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स पहले बताओ, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कितना निकाले? 16 ग्राम बाय 256 ग्राम, ये कितना आया? 1/60। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। सल्फर देखो S8 के फॉर्म में, S8 मतलब ये मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नहीं। नंबर, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। अब नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है, तो हमको पता है कि एक मॉलिक्यूल में कितना एटम होता है सल्फर का। अगर सल्फर का वन मॉलिक्यूल लेंगे, वन ध्यान रखना, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा सल्फर का? वन मॉलिक्यूल में सल्फर का नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? 8। 8 होगा, क्योंकि फॉर्मूला S8 है ना। S8 मतलब क्या हुआ? 8 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, मतलब सल्फर के 8 एटम्स, छोटे छोटे एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर तुमसे पूछा जाए कि सल्फर का वन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? 8 एटम्स हो गया, क्योंकि 8 एटम्स मिलके सल्फर का एक मॉलिक्यूल बना रहा है सर। ये। तो अगर वन मॉलिक्यूल में 8 एटम होगा, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे बताओ तो। 1/16 × Na × 8। हाँ, तो बस हमको यूनिटरी मेथड यूज करना है, एक के लिए हमको 8 पता है, तो इतने के लिए निकालना है, तो इनटू क्या कर देंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। 1/16 ×1/8 × Na। अरे कैलकुलेशन ढंग से करो, 1/8, वन बाय सर टू हो वन जाए। बाई टू वन बाई टू सॉरी सर 1/2 × Na। हाँ, 1/2 × Na, ठीक है, आ गया 1/2 × Na का वैल्यू पुट कर दोगे, 6.022 × 10⁻²। इतना ही आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? देख लो एक बार अच्छा सा, नहीं तो एक और क्वेश्चन देंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सब क्लियर होना चाहिए, ये सब में गलती करोगे तो फिर। नोट कर लो और बताओ जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। सर हो गया। कोई डाउट किसी को ये दोनों क्वेश्चन में? बोलो, नो किसी को सर। भी कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, एक और ये बनाना, क्वेश्चन नंबर 3। ये है व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कंटेन्स बस सेम नंबर ऑफ एटम्स एस प्रेजेंट एन थ्री पॉइंट टू ग्राम ऑफ सल्फर। बनाओ, सर।
What weight of calcium contains the same number of atoms as present in 3.2 gram of sulfur? सल्फर यहाँ ध्यान रखना, ये S8 के टर्म में नहीं है, सल्फर S ही एग्जिस्ट कर रहा है। जहां पे S8 लिखा होगा वहां पे ऐसे करना है तुमको, यहाँ पे सल्फर S के फॉर्म में है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। चलो बनाओ, सॉल्व करो। आंसर आया किसी का? सर 4 ग्राम। 4 ग्राम, ठीक है। और किसी का? यस सर 4 ग्राम। सबका आ गया 4। यस सर 4 ग्राम। किसी को डाउट है, बताना है किसी को तो बोलो। सबका आ गया ना, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? हेलो, किसी को डाउट है तो पूछ लो इसमें, नहीं तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। सर बता दीजिए। यो सर, बन गया या बताना है बोलो। एक बार बता दीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। तो हमको नंबर ऑफ एटम्स सेम होना चाहिए दोनों का, तो उसके लिए कैल्शियम का बोला गया कितना मास लेना पड़ेगा हमको। तो हम लोग ले मान लेते हैं, लेट द मास ऑफ कैल्शियम टेकन टू बी X, ठीक है, X ग्राम ले लेते हैं कैल्शियम का मास, ठीक है, उसको X अज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर X अज्यूम कर लिया तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा कैल्शियम का, तो नंबर ऑफ मोल्स पहले हम लोग निकालते हैं कैल्शियम का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास करोगे। गिवन मास कितना है कैल्शियम का, कितना अज्यूम किया हम लोग? गिवन मास कैल्शियम का कितना अज्यूम किया है? एक्स ग्राम। बाय मोलर मास कैल्शियम का कितना होता है?
कैल्शियम का मोलर मास 40 ग्राम, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स x बाय 40, ठीक है। चलो अब नंबर ऑफ मोल्स 40 आ गया, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा कैल्शियम का? नंबर ऑफ एटम्स हो गया x बाय 40 इनटू Na, तो ये नंबर ऑफ एटम्स आ गया। ये इक्वेशन वन मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड से हमको इक्वेट करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स इतना आ गया, उसको इक्वेट करेंगे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर से, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है। ठीक है, तो चलो अब दूसरा हम लोग सल्फर का नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। तो फॉर सल्फर ये हम लोग कर रहे हैं, फॉर सल्फर, सर सल्फर के लिए देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा सल्फर का, पहले ये बताओ। गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है सल्फर का? 3.2 ग्राम, और सल्फर का मोलर मास 32 ग्राम, ये कितना आ गया? 1/10 लिख लेते हैं इसको फ्रैक्शन में, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स आया, नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा सल्फर का? 1/10 जितना मोल्स आया उसको Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन है। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इतना, तो दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो पहले वाले केस में जो नंबर ऑफ एटम्स आया है और दूसरे वाले केस में जो नंबर ऑफ एटम्स आया है, दोनों क्या है? इक्वल है, सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 and 2 से x बाय 40 इंटू एन ए इज इक्वल टू 1/10 इंटू एन ए, तो यहां से सॉल्व करके x निकालना है तुमको। Na तो कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड, हो गया ना? Yes, sir. तो x का वैल्यू क्या आ गया, 40 को उधर भेज दोगे तो 40/10, तो 40 ये क्या आ गया 4, और x ग्राम था ना, तो 4 ग्राम ये आंसर हो गया। तो मतलब कैल्शियम का मास हमको कितना लेना होगा, कितना लेना होगा? 4 ग्राम, ठीक है। अब भी किसी को डाउट तो देख लो एक बार अच्छे से, कहीं भी डाउट है किसी भी स्टेप में तो पूछ लो। हो गया, नोट कर लिए? यस सर। अब भी किसी को डाउट है? नो सर। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर ये 4 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता है, Al2O3, ये है। चलो उसको सॉल्व करो, और एल्यूमिनियम का मोलर मास, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास पता है ना, 27 Amu होता है, ठीक है। चलो ये निकाल लो, तो क्वेश्चन लिख लिया सब लोग?
हेलो यस चलो इसको सॉल्व करो. नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस बताना है प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. हो जाएगा किसी का तो बोलना. सर 6.022 × 10^20. एक बार फिर से बोलो. 6.022 × 10^20. 10^20. हाँ ठीक है. और किसी का आया आंसर? यस सर आ गया. कितना? 6.022 × 10^20. हाँ जिसका इसका हो गया वो चेक कर लो. आंसर है 6.022 × 10^20. इतने आयंस होंगे एल्यूमिनियम के. सबसे बन गया? जिससे से नहीं बना बताओ. सर नहीं बना. क्यों? कहाँ गलती कर रहे हो बताओ. पता नहीं. कितना कुछ आंसर निकाले हो? कितने लोगों को बताना है बताओ. बोलो बनेगा या बताना है देख लो एक बार अच्छे से. क्वेश्चन हेलो हेलो यस सर बताना है ना.
अरे बोलो हाँ या नहीं। नो सर। बन गया? यस सर। कितने लोगों को बताना है बोलो? किसी को नहीं बताना है? अरे कोई तो हाँ बोलो। सुचेतन और है कोई? बस एक ही लोगों से नहीं बना है। अभिषेक? अभिषेक सर बन रहा है, अभी तक बन ही रहा। आर्यन? आर्यन यस सर। बन गया? यस सर। अभिषेक प्रसाद? अच्छा ये बना रहा है। जूही? बन गया। मयंक सर? बन गया। बन गया। पुष्कर सर? बन गया। रिद्धिमा सर आंसर कितना था? आंसर है 6.022 into 10 to the power 20। देखो अब यहाँ पे ये कैसे इसको करेंगे। आ गया सर। तुम लोग फॉर्मूला लिखने जानते हो ना? किसी भी आयन का जो फॉर्मूला होता है इसको ब्रेक करके हम लोग कैसे लिखते हैं बताओ। इसको ब्रेक हम लोग कैसे करेंगे? ये जो फॉर्मूला बनता है ये कैसे बनता है? Al होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। ये जो फॉर्मूला बना है आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? 3+। ये कैटायन होता है ना, वैलेंसी इंटरचेंज वाला पढ़े हो ना, फॉर्मूला जैसा लिखते हैं हम लोग कंपाउंड का, तो वैलेंसी इंटरचेंज होता है। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? 3+। कैटायन बनाता है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? 2-। अब इन दोनों के बीच में अगर कंपाउंड बनना है तो वैलेंसी का क्या होता है? इंटरचेंज होता है। तो वैलेंसी इंटरचेंज मतलब इसका वैलेंसी इधर चला जाएगा, इसका वैलेंसी इधर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ फॉर्मूला? Al2 और O3। तो ये फॉर्मूला बन गया। इसी को बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है? हेलो। यस सर। तो अब देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हमको ब्रेक करके लिखना होगा ना, ये ब्रेक करके हम लोग कैसे लिखते हैं? 2Al3+ और प्लस 3O2-। देख एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3+ होता है और यहाँ पे एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं Al2O3 में? एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं बताओ? 2। तो उसके आयंस भी कितने मिल जाएंगे हमको? आयंस भी 2 मिलेंगे। यस सर। दो एटम है तो 2 आयंस मिला। ऑक्सीजन का कितना एटम है यहाँ पे? 3। ऑक्सीजन के कितने आयंस मिल रहे हैं? 3। 3 आयन मिल रहे हैं। तो मतलब ये अगर एक मॉलिक्यूल टूटेगा Al2O3, अगर वन मॉलिक्यूल इसका ब्रेक किया तो उसमें एल्यूमिनियम के आयंस कितने हैं? 2 आयंस है एल्यूमिनियम के। और ऑक्सीजन के कितने आयंस मिल गए हमको? 3 आयंस मिल गए। बात समझ में आया? यस सर। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम लोग इतना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कितना मास लिए हैं? 0.051 ग्राम ऑफ। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम लोग मोलर मास निकाल लेते हैं Al2O3 का। Al2O3 का मोलर मास कितना हो जाएगा कैलकुलेट करो। एल्यूमिनियम का होता है 27 × 2 102 102 102 और ऑक्सीजन का 16 × 3। चलो इसको ऐड करो, ये 54 हो गया और ये 48, ये आ गया 102 ग्राम आ जाएगा। ये इसका मोलर मास हो गया, मोलर मास। अब यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं क्या क्वेश्चन में? नंबर ऑफ मोल्स किसका निकाल रहे हैं हम लोग? Al2O3 का। Al2O3 का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम लोग? गिवन मास ऐसे प्रोसेस बाय प्रोसेस करना होगा तुमको, बाय मोलर मास। तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है Al2O3 का बताओ तो? 0.051 ग्राम और मोलर मास होता है 102 ग्राम। कितने टाइम्स में जाएगा बोलो? दैट विल बी इक्वल टू, ये 1/2 × 10⁻³ हो जाएगा क्या? देखो सॉल्व करते हैं।
वन बाय टू इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री यहां तक किसी को कोई डाउट no. चलो ये नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स आया है Al2O3 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा बताओ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3 तो जितना नंबर ऑफ मोल्स आया है उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दोगे Na से मल्टीप्लाई कर तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर ऑफ हमको मॉलिक्यूल्स मिल गया चलो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका आया है Al2O3 का अब हमको यहाँ से इस इक्वेशन से पता है ये वाला इक्वेशन ध्यान से देखो कि अगर एक मॉलिक्यूल लेते हैं वन मॉलिक्यूल Al2O3 तो वो ब्रेक होता है तो एल्यूमिनियम का कितना आयंस मिलता है एल्यूमिनियम का आयंस कितना मिल रहा है नंबर ऑफ आयंस एल्यूमिनियम का टू आयंस मिल रहा है तो वन मॉलिक्यूल से दो आयन मिलता है तो इतने मॉलिक्यूल से कितना आयंस मिलेगा इनटू मल्टीप्लाई करना होगा ना किससे मल्टीप्लाई कर देंगे टू से तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम Al3 प्लस आयंस क्या हो जाएगा जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसका इनटू Na और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो टू टू कैंसिल आउट हो गया क्या बच गया टेन टू दी पावर माइनस थ्री इंटू Na अब Na का वैल्यू यहाँ पे पुट करो Na का वैल्यू पुट करोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 तो 10 टू द पावर माइनस 3 और 23 ये दोनों मिलके कितना बच गया 10 टू द पावर 20 तो यही हो गया कितने आयंस हो गए एल्युमिनियम यही आंसर कोई डाउट नो सर अब अगर तुमसे पूछता इसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस कितने हैं ऑक्सीजन के कितने आयंस बनेंगे बताओ तो नंबर ऑफ O2 आयंस कितने हो जाएंगे सेम अमाउंट में हम लोग एल्यूमिनियम आयंस निकाल लिए अब नंबर ऑफ O2 आयंस कितने हो जाएंगे बताओ तो O पे पावर 2 माइनस तो जितना मॉलिक्यूल आया हाँ जितने मॉलिक्यूल्स आए हैं Al2O3 के उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग थ्री से क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखे कि वन मॉलिक्यूल अगर Al2O3 का ब्रेक करेगा तो दो एल्यूमिनियम के आयंस मिलेंगे और तीन ऑक्सीजन के आयंस मिलेंगे तो एल्यूमिनियम वाला आयंस निकालना था तो टू से मल्टीप्लाई किए ऑक्सीजन का आयंस निकालना है तो थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो O2 के आयंस कितने हो जाएंगे O2 माइनस आयंस कितने हो जाएंगे ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना आया है 10 टू द पावर माइनस 3 इनटू Na और इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमको 3 से ये आ गया 3 बाय 2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 इनटू 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 ये आ जाएगा तुम्हारा ये 3 बाय 2 को 1.5 इनटू 6.022 इनटू 10 टू द पावर 20 तो ये मल्टीप्लाई कर लो 1.5 और 6.022 तो ये आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके कर लेना ठीक है देख लो एक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तुम लोग का पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन तो कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसी टाइप से सॉल्व करेंगे इसमें ठीक है देख लो किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में पहले नोट कर लो कोई भी स्टेप में कहीं भी डाउट है तो पूछ लो तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी जनरल तुमको अगर आयन दिया रहेगा जैसे कोई भी जनरल कंपाउंड है AXBY टाइप का ठीक है इस टाइप का इसको ब्रेक करके कैसे लिखते हैं हम लोग बताओ तो AX और BY कोई जनरल कंपाउंड है तो इसको तोड़ने का तरीका पता है आयंस में ब्रेक करके कैसे लिखेंगे हम लोग X इंटू AY प्लस
और प्लस y इंटू बी एक्स माइनस, ये ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये आता है जैसा अभी L2 O3 को हम लोग ब्रेक किए थे ना। हेलो उसी तरह अगर कोई जनरल फॉर्मूला हम ये जनरलाइज्ड फॉर्म में ले लिए, AX BY कुछ भी दिया रहेगा इस फॉर्म में, तो उसको ब्रेक करके हम लोग ऐसे लिखेंगे X into AY plus और Y into BX minus। देखो जैसे L2 O3 था, यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं L2 O3 जो ब्रेक करके हम लोग क्या लिखे थे, देखो इसी फॉर्म में लिख रहे हैं 2 into AL3 plus और plus 3 into O by power 2 minus। देखो वही सेम चीज है, वैसे ही लिख रहा है ना ब्रेक करके, देख लो ये जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्म है, ये किसी भी आयन के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे मान लो हमको इसको ब्रेक करना है Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, तो इसको ब्रेक करके कैसे लिखेंगे हम लोग, 2Al3+ SO4 पे पावर 2 माइनस और ये 3SO4 आ जाएगा, वही है ना। अब जैसे मान लो हमको लिखना है MgCl2 को ब्रेक करना है, MgCl2 को ब्रेक करके क्या लिखेंगे, Mg2+ और प्लस 2Cl-. नहीं होगा सर, माइनस वन या वन माइनस, अरे बात बराबर ही है, उससे कोई दिक्कत सर, उससे कोई दिक्कत नहीं, नहीं माइनस वन लिखो या वन माइनस, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये बताना कैसे ब्रेक होगा Na2SO4, बताओ 2Na+4 ये SO4 कौन सा, प्लस वन और SO4 एक आयन है ना, सल्फेट आयन, SO4 सल्फेट आयन होता है ना, पढ़े नहीं हो तो 2Na+ और सल्फेट आयन पे SO4 2 माइनस होगा, तभी तो ये बनता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट इसको बोलते हैं। अब जैसे ये बताना Fe3O4 कैसे ब्रेक होगा, चलो Fe2O3 बताओ, Fe2O3 बताओ कैसे ब्रेक होगा सर, 2Fe3+ प्लस 2Fe3+ 3O+ 3O2⁻²⁻ हाँ, ये क्लियर है ना सबको, तो ये जनरल फॉर्म याद रखना, AXBY कोई भी कंपाउंड अगर इस फॉर्म में रहेगा तो इसको ब्रेक करके हम लोग ऐसे लिखना है x into a पे पावर y प्लस और y into b पे पावर x माइनस, तो इससे कोई भी आयन होगा तो उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, डाउट इसमें, नो तो नेक्स्ट क्लास में देखो, तुम लोग एनसीईआरटी बुक है ना सबके पास, यस सर, तो एनसीईआरटी बुक में देखना ये मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने से पहले भाई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में देखोगे कि वो फॉर्मूला कुछ कुछ एनायंस और कैटायंस का वो फॉर्मूला दिया हुआ है, दिया हुआ है ना फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, जैसे पूछ बोलेगा yes, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखो, उसके लिए तुमको कार्बोनेट आयन पता होना चाहिए, मैग्नीशियम का वैलेंसी पता होना चाहिए, कार्बोनेट का पता होना चाहिए, वो याद करके रखना तुम लोग, ठीक है, जितना भी बुक में दिया हुआ है, और जो एक्स्ट्रा होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में लिखा देंगे, जितना एनसीईआरटी में दिया होगा ना उतना तुम लोग याद करके रखना, नेक्स्ट क्लास में वो पूछेंगे फॉर्मूला, जैसे कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का क्या होगा, वो सब याद करके रखना, ठीक है। हेलो, यस सर, तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है वो याद करके रखना और बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो हम लिखा दो, ठीक है, लेकिन याद करके रखना अच्छे से, नेक्स्ट क्लास में पहले पूछेंगे, ठीक है। Yeah.
चलो आज के क्लास में कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में देख लो एक बार फिर से, कोई डाउट है किसी भी पोर्शन में तो पूछ। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर क्लास एंड करेंगे। बोलो किसी को डाउट है? नो सर। हेलो। नो सर। नहीं है ना? चलो फिर तब याद करके रखना, नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग डिस्कस करें, ठीक है? एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास याद करके रखना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे।